ए आकाशवाणी जम्मू ऐ संजा खबरें तुंदा स्वागत पहले खास खास खबरें कन्ने मैं जगमोहन शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे अंग्रेजें दे राज खलाफ सिख समुदाय आसेआ कीते गेदे संघर्ष ते दित्ती गेदिएं कुर्बानिएं गी राष्ट्र कदें बी बसारी नेईं सकदा सुरक्षाबलें पुलवामा ते शोपियां जिलें च दौं बक्ख-बक्ख टाकरें च चार आतंकवादिएं गी मारी मकाया ऐ देश अज्ज साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होरें गी उंदी बरेगंड उप्पर श्रद्धांजलि पेश करदा ऐ एह् दिन सुशासन दिवस दे तौर उप्पर मनाया जंदा ऐ केंद्री गृहमंत्री अमित शाह होरें आखेआ जे देश तरक्की ते बदलाव दी दिशा च तेजिया कन्नै अगड़ा बधा'रदा ऐ ते देश ते दुनिया दे बाकी हिस्सें आह्ला लेखा जम्मू कश्मीर च बी अज्ज क्रिसमस दा त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा भाव कन्नै मनाया जा'रदा ऐ खबरें दी तफसील कोला पैह्लें इक सनेहा भारत जिसलै कोविड-19 थमां बचाव लेई 150 करोड़ टीकें दे दिशा च अगड़े बधा करदा ऐ कोरोना दे नमें स्वरूप दी खबर चिंता पैदा करा'रदी ऐ एकड़ी स्थिति च अस अपने श्रोताएं गी अपील करने आं जो पूरी चाल्ली टीका लोआने दा कम्म करी लैन ते दुए लोकें दे टीकाकरण च बी मदद करन मेहरबानी करियै इनें त्रऊं सखल्ले उपाएं दी पालमा करदे रवो मुहां पर मास्क पाओ आपू च दऊं गज दा सुरक्षित छिंडा बनाए रखो ते हत्थ ते मुहें गी साफ सुथरा रखने पर चेचा ध्यान देओ कोविड बारे कोई सूचना या मार्गदर्शन हासल करने लेई तुस राष्ट्रीय हैल्पलाइन नंबरें पर संपर्क करी सकदे ओ नंबर न 011-239-7846 ते दूआ नंबर ऐ 1075 ते हुन खबरें दी तफसील कन्नै चंद्रकांत शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे अंग्रेजें दे राज दौरान सिख समुदाय ने जिस चाल्ली दा संघर्ष कीता ते बलिदान दित्ते उसी देश कदें विसारी नहीं सकता आजादी दी लड़ाई दौरान सिख समुदाय ने जिस चाल्ली दी कुर्बानियां दित्ता उनेंगी चेता करदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे जलियांवाला बाग इस गल्ला दी जिंदी जागदी मिसाल ऐ गुजरात दे कच्छ च गुरुद्वारा लखपत साहिब च मनाए जा करदे गुरु नानक देव जी हुंदे गुरुपर्व उत्सव गी वीडियो कांफ्रेंसिंग राहीं संबोधित करदे होई उनें आखेआ जे जिस चाल्ली गुरु तेग बहादुर होरें बड़ी हिम्मत ते दलेरी कन्नै औरंगजेब कन्नै लड़ाई लड़ी ओह्दे कन्नै होरनें लोकें गी भी अत्याचार खिलाफ लड़ने दी सिख थ्होई इस्सै चाल्ली दसमें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हुंदा जीवन भी कुर्बानियां ते बलिदान दी मिसाल रिहा ऐ उनें आखेआ जे सिख गुरुएं दा योगदान ना छड़ा धार्मिक तौर पर बड़ा महत्व वाला ऐ बल्कि समाजिक ताने बाने गी निकर बनाने ते आपसी भाईचारे गी होर तगड़ा करने च भी इंदा मता योगदान रिहा ऐ इस मौके पर प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे हर बरे 23-25 दिसंबर गी गुजरात दे इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे च गुरु पर्व मनाया जंदा ऐ उनें आखेआ जे लखपत साहिब गुरुद्वारे दा सिद्धा सरबंध गुरु नानक देव जी हुंदे कन्नै रिहा ऐ ते इत्थें उंदी पालकी खड़ावां ते धार्मिक पांडुलिपियां भी मौजूद न कश्मीर घाटी च अज्ज दौं बक्ख-बक्ख थाहरें होए दे टाकरें च सुरक्षाबलें चार आतंकवादियें गी मारी मकाया ऐ जानकारी मुताबक शोपियां जिले दे चौगाम इलाके च सुरक्षाबलें ते आतंकवादियें बश्कार भखे दे टाकरे च लश्करे तोयबा आतंकवादी संगठन दे दो आतंकवादी मारे गए न कश्मीर रेंज दे IGP हुने जानकारी दित्ती ऐ जे इक आतंकवादी ग्रनेड सुट्टने ते आम नागरिकें दी हत्या च मुलव्वस हा जिसलै कि दूआ आतंकवादी किश अरसे पैह्ले गै आतंकवाद च शामल होआ हा टाकरे आह्ली थाह्रै थमां किश हथियार ते गोली बारूद भी बरामद कीते गे न अज्ज लग्गे दे दुए टाकरे च सुरक्षाबलें त्राल दे हरदुमीर इलाके च दो आतंकवादियें गी मारी मकाया ऐ कश्मीर जोन दे IGP विजय कुमार होरें इस बारे दस्सेआ जे इस टाकरे आह्ली थाह्रा किश होर आतंकवादियें दे छप्पे होने दी जानकारी होई सकदी ऐ खीरी खबरां तोड़ने तोड़ी टाकरा जारी है ते इस बारे होर ब्यौरें गी अजें बलगेआ जा'रदा ऐ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर कल ऐतवारें 26 दिसंबर गी आकाशवाणी दे अपने मन की बात कार्यक्रम राहें देश विदेश च रौह्ने आह्ले लोकें कन्नै अपने विचार सांझे करङन इस माहवार रेडियो कार्यक्रम दा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क उप्पर कीता जाग एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यूट्यूब चैनलें उप्पर भी एह्दा प्रसारण होग इस कार्यक्रम की आकाशवाणी खबरें की वैबसाइट www.newsonair.com ते newsonair मोबाइल ऐप उपर भी प्रसारित किया जाग आकाशवाणी जम्मू आसिया हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एदा डोगरी भाषा च प्रसारण किया जाग डोगरी भाषा च एदा प्रसारण राती 8 बजे एक बारी परतिए किया जाग भारत च कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 141 करोड़ छपार हो गया सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय का आखना है जो पिछले 24 घंटे दौरान 66,09,000 लोगों की कोविड शा बचाव वाले टीके लाए गए इस दौरान 7,286 मरीज नरोए होए न ते नरोए होने वाले दी दर 98.4% पुजी गई है केंद्र सरकार दा आखना है जे अजे तक 148,37,00,000 दवा दियां खुराकां राज्य ते केंद्र शासित प्रदेशें गी दे दित्ती गई न इंदे शा अजे भी कोई 17.74 करोड़ कोविड आलियां दवा दियां खुराकां बकाया पेदियां न
मुल्खा च अजें तोड़ी कोरोना दे नमें स्वरूप ओमिक्रान दे 415 मामले सामने आई चुके दे। इनें कुल मामले चा सबने शा मते महाराष्ट्र च 108 मामले दर्ज किते गए न, जिसले के दिल्ली च 79 ते गुजरात च एदे 43 मामले दर्ज किते गए न। सेहत मंत्रालय ने उंगा ए जानकारी भी दिती है जे अजें तोड़ी सामने आए दे मामले शा 115 कसरियें गी नरोए होने उपर अस्पतालें थमां छुट्टी दे दित्ती गई है। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे ओ। भारत की आजादी का 75वां बरा शुरू होने के सिलसिले च आकाशवाणी जम्मू का खेतरीय समाचार एकांश जम्मू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के सहयोग कन्नै पेश करा करदा है विशेष प्रश्नोत्तरी आजादी का अमृत महोत्सव क्विज इंडिया एट 75। एहदे तहत हर सोमवार बड़ले 9:20 आली डोगरी बुलेटिन च एक सवाल पूछा जांदा है जिहदा जवाब श्रोता साढ़े ईमेल एड्रैस india75quiz@gmail.com उपर भेजी सकदे न। सही जवाब देने आले श्रोताएं चा त्रों दी पर्ची राय ताल करिए जेतू घोषित किया जाता है ते उंदे नां दा ऐलान अगले रोज़ मंगलवारें बड़ले आले डोगरी बुलेटिन च किया जाता है। श्रोताएं अगे अपील है जे ओ जवाब दे कन्ने अपना पूरा पता भी लिखन तां जे जेतुएं गी सर्टिफिकेट डॉक्टराएं उंदे घरें तक पजाए जाई सकन। श्रोताएं अगे ए भी अपील है जे सर्टिफिकेट थ्होने परैंत ओहदे कन्ने ओ अपनी इक सैल्फी खिच्चिए असेंगी ईमेल दे राहें भेजी देन तां जे अस अपने सोशल मीडिया उपर इसी अपलोड करी सकचै। राष्ट्र अज्ज साबका प्रधानमंत्री ते भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी होरें गी उंदे 97वीं बरेगंढ मौके पर श्रद्धांजलि देआ करदा है। इस दौरान कई अस्थियां दिल्ली च उंदी समाधि सदैव अटल जाइए उनेंगी श्रद्धांजलि पेश कीती। एह दिन सुशासन दिवस दे तौर पर भी मनाया जांदा है। वाजपेयी होर 10 बारी लोकसभा दे 2 बारी राज्यसभा लई चुने गए। एक सांसद ते टकोहदा करिए प्रधानमंत्री दे तौर पर उन्हें जिस चाली दा काम कीता उहदी बरोबरी करना मता मुश्किल मन्निया जांदा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ते केईं होर मंत्रियें नेताएं ते साबका मंत्रियें भी प्रधानमंत्री होरें गी श्रद्धांजलि पेश कीती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होरें साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदी जन्म जयंती दे मौके उप्पर उनेंगी श्रद्धांजलि भेंट कीती है। अपने इक ट्वीट स्नेह च नायडू होरें आखेआ जे वाजपेयी होर भारत दे इक कदावर नेता, काबल प्रशासक, शानदार वक्ता, लखारी, कवि ते सभनें शा उप्पर इक महान मनुक्ख हे। उपराष्ट्रपति होरें आखेआ जे देशवासियें दे जीवन च सुधार आनने लई अटल जी होरें सरकार ते प्रशासन दे कम्मां च केईं क्रांतिकारी सुधार आंदे न। उनें आखेआ जे अटल होरें गी लोकवाद गी मजबूत बनाने लई सदा चेता रखेआ जाग। उपराष्ट्रपति होरें अज्ज महान सुतंत्रता सैनानी ते राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय होरें गी बी उंदी जन्म जयंती उप्पर श्रद्धांजलि भेंट कीती। अपने इक ट्वीट स्नेह च उनें आखेआ जे मदन मोहन मालवीय इक महान शिक्षाविद, विद्वान, जोशीले समाज सुधारक हे जिनेंगी शिक्षा दे खेतर च उंदे अनमुले योगदान लई सदा चेता रखेआ जाग। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पिछले 7 बरे दौरान देशा गी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दित्ती है। उनें आखेआ जे केंद्रीय सरकार मुल्खै च केईं क्रांतिकारी सुधार ते बदलाव आनने दी बत्ता पर तेजिया कन्नै अगड़ा बधा करदी ऐ ते लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करदे होई शहरी ते ग्रामीण इलाके च विकास दे कम्म कीते जा'रदे न। उन्हें आख्या, अगर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, पहली बार लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, ये सरकार देश को बदलने के लिए आई। और ये जो देश को बदलने का कंसेप्ट था, स्वराज तो मिल गया मगर सुराज कब मिलेगा, ये सबके मन में क्वेश्चन मार्क था। 70 साल के अंदर धीरे 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 हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र के सुफल लोगों तक तभी पहुंचते हैं जब स्वराज को हम सुराज के अंदर परिवर्तित करें, सुशासन के अंदर परिवर्तित करें। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें आखिया जे हर एक कम्मा च पारदर्शिता ते जवाबदेही यकीनी बनाने लई सरकार दा 80% कोला मता काम ऑनलाइन किया जा करदा है। उन्हें आखिया जे मोदी होरें घट्टो घट सरकार ते बद्धोबद्ध शासन देने आले नियमों पर काम करदे होई कई सुधार आंदे ने। उन्हें आखिया, 2014 में ये सरकार आई तो साल भर में हमारे ग्रीवेंस सेल में 2 लाख शिकायतें आया करती थी, आज बढ़कर उनकी संख्या लगभग 25 लाख हो चुकी है, 12-13 गुना वृद्धि। और इसलिए हुआ कि कड़ी मेहनत और कड़ी समर्पण के साथ दिन रात मेहनत करके हमने एक टाइमलाइन फिक्स की, लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि जो वो शिकायत करते हैं उसका निवारण होता है, वरना शिकायतें पहले पड़ी रहती, लोगों का विश्वास उठ गया था। प्रति सप्ताह हम इसका आंकलन करने लगे, 95 से 100 प्रति सप्ताह इसका निवारण होने लगा।
ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਤਾ ਮਤਿਹਾਨ ਅਗਲੇ ਬਰੇ ਥਮਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈਤੇ ਜਾਂਗਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਗ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ 'ਚ ਸਿਖਾ ਲਵੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਕੰਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰੇ ਗੀ ਬੜੇ ਗੈ ਸ਼ੈਲ ਸਨਾਕੜੇ ਢੰਗਾਂ ਕੰਨੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਿਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ 2014 ਗੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 7 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ 7 ਵਰੇ 'ਚ ਮਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰਾਂ 'ਚ 701 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 3,86,00,000 ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਬੱਚੇ ਗੀ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 97,00,000 ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ 12 ਕੁਲਾਂ ਲਈਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 76.4% ਤੋੜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰੇ 'ਚ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਆਸਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਕਰੇ 'ਚ 4 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਗੀ ਮਾਰੀ ਮੁਕਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰੇ ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਆਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰਾਂ ਪਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਕੰਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।